जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज एक विशेष अभियान पर निकलने वाले हैं। गोध्वज स्थापना भारत यात्रा, जो 22 सितंबर से 26 अक्टूबर तक चलेगी, का मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना है। इस यात्रा में गोध्वज की स्थापना की जाएगी और केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि गौ माता को पशु सूची से हटाकर माता सूची में शामिल किया जाए। इस ऐतिहासिक यात्रा के संयोजक ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी ने बताया कि यह यात्रा अयोध्या से शुरू होकर पूर्वोत्तर राज्यों को पूर्ण करते हुए 7 अक्टूबर को राजधानी रायपुर पहुंचेगी। राजधानी रायपुर में शंकराचार्य चौक पर गोध्वज की स्थापना की जाएगी। यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है कि गौ माता के लिए एक विशेष कानून लाया जाए और देश से गौ हत्या का कलंक पूरी तरह से मिटाया जाए। शंकराचार्य महाराज के इस कदम से लाखों गौ भक्तों में उत्साह है और उनकी यह मांग है कि गौ माता को केवल एक पशु नहीं बल्कि राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। शंकराचार्य महाराज का मानना है कि गौ माता हमारी संस्कृति और आस्था का अभिन्न हिस्सा है और उन्हें संरक्षण देना हम सभी का कर्तव्य है। जी, आगामी 22 सितंबर 2024 से शुरू होकर के 26 अक्टूबर 2024 तक पूज्यपाद ज्योतिषपीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी गौध्वज स्थापना भारत यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा के क्रम में वो अयोध्या जी से उस यात्रा को शुरू करेंगे और अयोध्या जी से पूर्वोत्तर के सभी राज्य पूर्ण करते हुए 7 अक्टूबर 2024 को यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पधारेंगे। यहाँ पर शंकराचार्य चौक पर गौध्वज की स्थापना करेंगे और गौ भक्तों को संबोधित करते हुए पूरे देश में हर प्रदेश की राजधानी में जाकर के इस संदेश को देंगे। और इस यात्रा के पीछे का उद्देश्य ये है कि गौ माता को पशु सूची से हटा करके माता की सूची में स्थापित किया जाए, गौ माता का राष्ट्र माता के रूप में सम्मान हो। गौ माता के लिए जैसे एक देश एक संविधान की बात की जाती है, वैसे गौ माता के लिए एक संविधान बने कि इस भारत भूमि के ऊपर से जहाँ 100 करोड़ से अधिक हिंदू रहते हैं और वो अपनी माँ मानते हैं गाय को, उस देश के ऊपर से गौ हत्या का कलंक पूरी तरह से समाप्त हो। तो सरकार से हम लोग इस यात्रा के माध्यम से ये मांग करेंगे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित की जाए। जी, हम हैं मुकुंदानंद ब्रह्मचारी, गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के प्रभारी के रूप में हम सेवा दे रहे हैं।